अगर आपको कोई ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयर या किसी और कंट्री का एम्प्लॉयर भी अगर ये बोलता है कि वो ओवरसीज एप्लीकेंट्स को सेलेक्ट कर सकता है या ओवरसीज स्पॉन्सरशिप वो दे सकता है, तो ऐसी जॉब्स को या ऐसे एम्प्लॉयर को आपको मिस नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका जो सीवी का लेटर है वो अच्छी तरह से बना हो, वो मैच कर रहा हो उसकी रिक्वायरमेंट्स को। अब इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बता रहा हूँ जिसका वर्क परमिट मेरे पास क्रोशिया के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी एक कंपनी है जिसमें ये मशीनिस्ट की जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। मशीनिस्ट मतलब कि एक मशीन ऑपरेटर की तरह हो गया। तो अगर आप मशीनिस्ट हैं, आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा या ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा इस फील्ड में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जॉब्स हैं और इसके लिए एक स्किल वीज़ा भी अवेलेबल है। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है और अच्छा एक्सपीरियंस है, इंग्लिश आपकी बहुत बढ़िया है और आप एज भी आपकी लिमिट में आ रही है, तो आप स्किल वीज़ा के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो मैकेनिकल ट्रेड से हैं, जो मशीन ऑपरेटर हैं, जो सीएनसी ऑपरेटर हैं या क्रेन ऑपरेटर होंगे या फिर वो फोकलिफ्ट ऑपरेटर हैं, तो उनके लिए भी ये जॉब्स अवेलेबल हैं जिसमें वीज़ा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो सीएनसी ऑपरेटर्स के लिए, बेसिकली सीएनसी ऑपरेटर्स या सीएनसी मशीन ऑपरेट करने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसकी बहुत वैल्यू है और इसकी ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स भी बहुत हैं। आज मैं आपको इसी की जो है एक एक ऐसी जॉब दिखा रहा हूँ जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है और एम्प्लॉयर स्पेशली बोल रहा है कि वो ओवरसीज एप्लीकेंट्स को बुला रहा है, ओवरसीज एप्लीकेंट्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों मैं जो आपको यहाँ पे जॉब दिखा रहा हूँ वो है मशीनिस्ट की और ये पर्थ में लोकेटेड है, फुल टाइम जॉब है और इसे आए कुछ दिन हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये मल्टीपल मशीनिस्ट पोजीशंस इनको फिल करनी है, एक से ज़्यादा पोजीशंस है तब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ढूंढ रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं अप्लीकेंट्स की। दे आर लुकिंग फॉर द पीपल विद द फॉलोइंग मशीनिंग या फिर ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस। उनको ये ऑपरेटर का एक्सपीरियंस चाहिए जो है ग्राइंडिंग है, सीएनसी एक्सपीरियंस सीएनसी ऑपरेटर्स के लिए है, एनसी टर्निंग, फ्लोर बोरर या वर्टिकुलर बोरर या फाइव एक्सिस माइलिंग और गियर कटिंग। तो आपके पास अगर ऐसा एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है मैकेनिकल की, तो आप बिना सोचे इस जॉब पे जरूर अप्लाई कीजिए। वी आर लुकिंग फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स एंड वी आर ओपन टू वीजा स्पॉन्सरशिप। इससे ज़्यादा खुल के तो कोई एम्प्लॉयर नहीं लिख सकता, यहाँ पे जॉब अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वर्क वीज़ा मिलेगा। स्किल और एक्सपीरियंस यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो यही है, मैकेनिकल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन मशीनिंग या फिटिंग या मशीनिंग में जिसमें भी आपका होगा, आईटीआई या अगर आपने किया होगा ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, बेसिकली आपने आईटीआई किया हुआ वो भी चलेगा यहाँ पे, लेकिन मैकेनिकल से होना चाहिए तभी आपको एक्सपीरियंस भी होगा। प्रायर एक्सपीरियंस विद मशीनिंग मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 या 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 साल का भी होगा तो चलेगा। मस्ट हैव एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड टेक्निकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, तो आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। कैपेबिलिटी ऑफ रिव्यूइंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन डिटेल, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स को आपको समझना आना चाहिए। टीम अप्रोच, साइमंस कंट्रोल एक्सपीरियंस डिजायरेबल एंड कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। और अट्रैक्टिव रिम्यूनरेशन इज अवेलेबल फॉर द राइट कैंडिडेट, मतलब जितनी सैलरी है उससे अच्छी भी मिल सकती है अगर आप एकदम फिट बैठते हैं तो। यहाँ पे आपको अगर अवेलेबल, इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है कुछ फैसिलिटीज भी ये दे रहे हैं जिसमें ऑन जिम भी है, ऑन साइट जिम है, सोशल क्लब है, क्रिसमस क्लोज डाउन, ऑन साइट साइको ये फिजियोथेरेपिस्ट है, यहाँ पे ऑन साइट फिजियोथेरेपिस्ट है, ग्लोबल बिजनेस और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है, मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी है ये, इंटरनेशनल कंपनी में फिर दूसरी जगह जहाँ पे इनको और अपॉर्चुनिटीज होंगी वहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। एक्सलेंट प्रोस्पेक्ट्स टू फर्दर योर कैरियर, और बहुत सारे मौके आपको आगे मिलेंगे जॉब इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है अगर आप मशीनिस्ट हैं, सीएनसी ऑपरेटर हैं, मैकेनिकल लाइन में हैं। इसमें बहुत बड़ा फील्ड है ये ऑपरेटर्स का, मशीन कोई भी मशीन को ऑपरेट करने का। तो आप अगर इसमें फिट बैठते हैं या आपका कोई दोस्त है जानकार है जो फिट बैठता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अगर वो ट्राई करना चाहे तो वो ट्राई कर सकता है, देख सकता है और मुझे यहाँ पे
कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर उसके पास सीवी का लेटर नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन वो अप्लाई करना नहीं जानता। अगर आप कर सकते हैं खुद तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खुद जाके अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आप स्पॉन्सरशिप देख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं ऑक्यूपेशन जहाँ पे अवेलेबल होता है, चैनल में जाके वो आप सब देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसमें आपका ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व हो, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। थैंक यू वेरी मच।